हे गाइस, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। आज मैं लेकर आया हूँ कंपैरिजन वीडियो मारुति सिलेरियो और टाटा टियागो के बीच में। पहले इंप्रेशन में तो दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग सेगमेंट की लगती हैं, लेकिन इनके प्राइसेस इस तरह से पोजीशन किए गए हैं कि इनके बहुत सारे वेरियंट आपस में मैच करते हैं। इसलिए आज मैं सिलेरियो के ZXi ऑप्शनल वेरियंट और टियागो के XT वेरियंट को कंसिडर किया हूँ। सिलेरियो ZXi ऑप्शनल लेने की वजह यह है कि उसमें ड्यूअल एयरबैग है, क्योंकि आज के टाइम में एटलीस्ट ड्यूअल एयरबैग तो होना ही चाहिए। वहीं टियागो XT ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे मिलती है, इसलिए वो एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बन गया। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। इस कंपैरिजन में बहुत से पैरामीटर्स जैसे प्राइस, डायमेंशन, इंजन, सेफ्टी, कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करूँगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरुआत प्राइसेस से करते हैं। तो सिलेरियो ZXi ऑप्शनल 5,46,000 एक शोरूम पे मिलता है, वहीं टियागो XT 5,34,000 एक शोरूम पे मिलती है। यहाँ पे आपको 12,000 का लीड जरूर मिलता है टियागो लेने पे, वहीं अगर आप सिलेरियो ZXi लेते हैं तो उसमें आपको 10-12,000 का लीड मिलता है। यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिल रहा है। अगला पैरामीटर आता है डायमेंशन। तो यहाँ पे आप देखिए तो लेंथ में टियागो काफ़ी आगे है, विथ में भी आगे है, हाइट में सिलेरियो आगे है, तो व्हील बेस में भी सिलेरियो आगे है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टियागो को उसकी ज़्यादा विथ और लेंथ की वजह से हम ज़्यादा स्पेशियस कहेंगे, इसलिए हम टियागो को यहाँ पर लीड देते हैं। वहीं अगले पैरामीटर पर भी हम चलते हैं, यानी कि इंजन। इंजन पैरामीटर बिल्कुल वन साइडेड कॉम्पिटिशन बन गया है, क्योंकि टियागो में आपको एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 86 PS बनाता है, वहीं सिलेरियो में आपको एक 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो केवल 68 PS, मतलब पावर में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। उसी तरह टॉर्क में भी 113 और 90, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। लेकिन एक जगह जहाँ पे सिलेरियो आगे निकलती है और उसे निकलना चाहिए भी, क्योंकि वो एक मारुति प्रोडक्ट है, मतलब माइलेज पर यहाँ पे एक मार्जिनल 1 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी हम लीड तो टियागो को ही देंगे, क्योंकि उसमें आपको जितना एक्स्ट्रा पावर मिलता है उसके सामने 1 KMPL का माइलेज कॉम्प्रोमाइज़ करना चलता है। अब हम अगले पैरामीटर पे चलते हैं, मतलब कि सेफ्टी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम अगले पैरामीटर की बात करते हैं, मतलब कि सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी की बात की है तो टियागो और सिलेरियो दोनों में ड्यूअल एयरबैग मिलता है, दोनों में ABS मिलता है, दोनों में रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। लेकिन अगर हम एडिशनल सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सिलेरियो में आपको एडिशनल में फॉग लैंप्स मिलते हैं और रियर डीफॉगर विथ वाइपर एंड वॉशर मिलता है, जो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। वहीं आप टियागो में देखेंगे तो आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिलते हैं। मतलब दोनों ही कारों में थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर्स का डिफरेंस है, लेकिन टियागो को ग्लोबल NCAP ने क्रैश टेस्ट किया और इसने 4 स्टार हासिल किए हैं, जबकि सिलेरियो से हमें उससे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए सेफ्टी में तो हम क्लियर कट टियागो को एडवांटेज यहाँ पे देते हैं। इसी तरह अगले पैरामीटर पे चलें तो ये आता है कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स। अब यहाँ पे सिलेरियो ZXi ऑप्शनल एक टॉप मोस्ट वेरियंट है, वहीं पर टियागो एक मिड वेरियंट है, इसलिए हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे मारुति लीड लेगी। लेकिन शॉकिंगली यहाँ पे सिचुएशन और उल्टा है। दोनों गाड़ियों में इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर्स मिलते हैं, किसी में भी टच स्क्रीन नहीं मिलता है। दोनों में आपको मैनुअल AC मिलता है, 4 पावर विंडोज़ मिलते हैं, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं। सिलेरियो के एडिशनल पॉइंट की बात करें तो आपको अलॉय व्हील्स मिलता है, जबकि टियागो में आपको व्हील कवर्स ही मिलते हैं। लेकिन टियागो के एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको टिल्ट स्टेयरिंग और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर ORVM मिलता है, जो मेरी नज़र में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर्स है एज़ कम्पेयर टू अलॉय व्हील्स। इसलिए कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के पैरामीटर में भी टियागो आगे निकलती है। मतलब लगभग अभी तक हर एक पैरामीटर पे टियागो आगे हैं, प्राइस, डायमेंशन, इंजन, सेफ्टी, कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस। अब आखिरी एक पैरामीटर बचता है कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे आप सभी ने सोचा होगा कि मारुति को लीड मिलेगा, और वो मिलेगा भी, क्योंकि उसका सर्विस नेटवर्क सबसे बड़ा है इंडिया में। वहीं रीसेल भी सिलेरियो की अभी तक तो टियागो से बेहतर रही है, लेकिन टियागो के भी अब सेल्स बढ़े, इसलिए रीसेल भी बढ़ सकती है।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे टियागो फिर सिलेरियो से आगे निकलती है, वो है वारंटी। सिलेरियो में आपको 2 ईयर या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि टियागो में आपको 2 ईयर और 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। मतलब वारंटी के मामले में टियागो आगे निकल जाती है। अभी तक के सारे पैरामीटर्स को देख के ऐसा लगता है कि अगर आपको रीसेल की ज़रूरत नहीं है या उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है तो आपके लिए टियागो एक डेफिनेटली बेहतर प्रोडक्ट है इस प्राइस पॉइंट पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।